जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब फॉर्म का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक आपको अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, अनिल सर आईटीआई डॉट इन करियर ऑप्शन में, तो आपको वहाँ पर ऑफिशियल लिंक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। या डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट है, जिससे मैट्रिक पास आउट और आईटीआई पास आउट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो सारी जानकारी पता चल पाएगी दोस्तों। साथ ही देखिए तो यूपीपीसीएल की वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। साथ ही आईओसीएल की वैकेंसी आ चुकी है, नीचे जाइए तो डीआरडीओ की भी वैकेंसी है। काफी सारी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी नोटिफिकेशन चैनल के बाद हम अपडेट करते रहते हैं, तो फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है डिस्क्रिप्शन से। यह हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट की तरफ से निकाला गया है, जो कि मुंबई की तरफ से निकला है दोस्तों। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है और फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा। काफी सारे पोस्ट है दोस्तों, तो वीडियो में तो थोड़ा लंबा हो जाए तो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट है इंजन ड्राइवर का है, और ये जो पोस्ट है टोटल वैकेंसी जो है दो वैकेंसी है दोस्तों, जिससे मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दो साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, डिजायरेबल है दोस्तों। और यहाँ पे इंजन ड्राइवर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 18 से 30 साल, और इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सरंग लश्कर का जो है वो एक पोस्ट वैकेंसी है दोस्तों, जो कि मैट्रिक पास आउट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सरंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 18 से 30 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, जिससे यहाँ पे दो पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है। मैट्रिक पास आउट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल का ड्राइविंग का दोस्तों, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, और इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो है ऑर्डिनरी ग्रेड का, उसकी वैकेंसी है, जिसमें 7 पोस्ट आपको निकाले गए हैं, जिससे मैट्रिक पास आउट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का, आपके पास मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, तो मैट्रिक पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 2 साल का मांगा गया है, यहाँ पे 2 साल का ड्राइविंग मोटर व्हीकल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फिटर स्किल के लिए वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें एक मात्र वैकेंसी है, जो कि मैट्रिक पास आउट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैट्रिक वाले के लिए आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रिकल फिटर में होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें आईटी वालों के लिए, तो आईटी पास होना चाहिए, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आप सभी के पास, दोनों में से कोई है, क्या तो आईटी पास ये 1 साल का एक्सपीरियंस है, या आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आईटीआई क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास आईटीआई है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फिटर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फीटर स्किल की वैकेंसी 1 है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आईटीआई पास आउट जो है फीटर ट्रेड से 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल के लिए है। वेल्डर स्किल्ड की एक वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो मैट्रिक पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप चाहिए, या आपके पास आईटीआई है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। टर्नर की एक वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर टर्नर से आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की एक वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई कारपेंटर ट्रेड और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको आगे देखिए 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर है दोस्तों, 1 साल एक वैकेंसी है, और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आईटीआई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आईटीआई कहीं से भी होना चाहिए, इंग्लिश के आपके पास नॉलेज होना चाहिए, 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आईटीआई के बाद आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लश्कर की बात करें तो यहाँ पर लश्कर एसएससी के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैट्रिक पास आउट चाहिए दोस्तों, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए बोर्ड पर आपके सर्विस का दोस्तों। एमटीएस पियोन का यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, 1 पोस्ट वैकेंसी है, जो कि आपके पास 2 साल का किसी भी ऑफिस अटेंडेंट का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों मैट्रिक पास आउट होने के बाद।
27 साल का आपके एज होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो एक सीट है दोस्तों यहाँ पे, मैट्रिक पास आउट आप ITI किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। आगे बात करें MTS माली का, तो आप माली मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी नर्सरी में या ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर्म ऑफलाइन भरना है दोस्तों, आप देख लीजिए बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और शुरुआत से समझ लीजिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और आप ये सब एलिजिबिलिटी रखते हैं, एज का क्राइटेरिया है आपके पास, एक दो सीटें हैं दोस्तों और अलग अलग पोस्ट हैं तो उसको चेकआउट कर लीजिए। टोटल 25 सीटों में वैकेंसी है, इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों। ऑफलाइन आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, 45 दिन का आपके पास समय है दोस्तों। कमांडर द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस PO वर्ली कॉलोनी मुंबई, आपको यहाँ पर भेजना है दोस्तों, ठीक है। और ऊपर आपको लिख दीजिएगा किस तरह का ये लिख दीजिएगा किस तरह का आप भेज रहे हैं, तो ऊपर आपका एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, एज आप यहाँ पे देखिए ये लिख देना है आपको एनेक्सर पे, आपका ये पोस्ट लिख देना है MTS है या इलेक्ट्रिकल है, जो जो आपका पोस्ट है टर्नर लिख देंगे, जो जो आपके पास है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ये ID प्रूफ, आपको फोटो ID प्रूफ को लगाना पड़ेगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे देखिएगा 12th है, डिप्लोमा है, ITI है, जो है आपके पास सर्टिफिकेट है जिसपे आप एलिजिबल हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अगर आप और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड करना है, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं अभी फिलहाल तो उसका NOC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, दोस्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है, और ब्लैंक इनवेलप आपको इसके साथ इंक्लोज कर देना है, 50 रुपये का उस पर पोस्टल स्टैम्प भी डालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया ताकि उधर से आपको कोई एडमिट कार्ड या किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट भेजना पड़े तो आपको आसानी से आपके पास चला है दोस्तों, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, बहुत सारे फॉर्म अगर भेजे जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे एक लिस्ट बनाया जाएगा, उसके अनुसार फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, फिर आपको रिटेन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। रिटेन में आपका जनरल नॉलेज मैथ इंग्लिश और आपके जो जो ट्रेड है उसके रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया रिटेन एग्जाम इज 50% एंड द कैंडिडेट हु क्वालिटी द रिटेन टेस्ट, जो रिटेन टेस्ट निकाल लेते हैं दोस्तों एज शॉर्ट लिस्ट द ट्रेड टेस्ट, फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो इन्वेलप पे आप लिखिएगा, ऊपर लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने बताया था आपको पोस्ट लिखना है तो पोस्ट लिख दीजिएगा, और इन्वेलप के अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जो हमने बताया कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर आपके कैटेगरी OBC SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर लग रहा है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और आप एक सर्विस अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं फिलहाल तो उसका NOC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके अंदर एक ब्लैंक इन्वेलप डाल दीजिए, वो भी 50 रुपए का पोस्टल स्टैम्प के साथ, ठीक है। और उसके ऊपर आपको अपना खुद का एड्रेस लिख देना है, ठीक है, और विथ द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ आपको उसमें भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म का है तो फॉर्म नीचे दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा और यहाँ पे सब टाइप कर दीजिएगा, सभी जो जो लिखा हुआ है, सभी चीज जो मांगा गया उसको लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपको साइन कर दे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, प्लेस और डेट लिख करके इसको आपको भेज देना लिफाफे के साथ, ठीक है। बस इतना काम है, इसको चेकआउट कर लीजिए आपका ट्रेड के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, और मिलता है अगली वीडियो में अगली जगह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।